मुनव्वर फारूक और अदनान 07 का भी लफड़ा हो चुका है और अदनान 07 ने भी मुनव्वर फारूक को रिप्लाई दिया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं बता देता हूँ कि हुआ क्या है। तो दरअसल मुनव्वर फारूक ने अपने ट्विटर स्पेस में अदनान 07 के बारे में बात की, मतलब कि मुनव्वर फारूक अदनान 07 की बिग बॉस की जन्ने की बात कर रहे थे और भी काफी कुछ कहा है, आप ही देख लीजिए। मैंने एक वो हगने चले जू कि तुम्हारा मजाक बन जाएगा अगर तुम बहुत बड़े बड़े वादे करोगे और फिर वो वादों पे तुम खरा नहीं उतरोगे तो फिर आप कोई भी पोजीशन पे हो आपका मजाक तो बनता है। उसने जाते वक्त बहुत कुछ बोला था, बहुत कुछ भाई। अरे एंट्री पे भी उसकी एंट्री देखी थी भाई मैंने, वो रील वील वगैरह आती थी ना तो ये एंट्री देखी ये वो, मैंने बोला ओ भाई भाई। और फिर मैं थोड़े वो कॉमेंट्स पढ़ते ना कि अदनान इज द न्यू विनर, शेयर इज एंटर्ड, ये वो, तो मुझे समझ में आता है कि भाई यार ये इतना हाइप, इतना तुम हल्ला मचा के जाते हो और हग देते हो भाई। हम तो जिस दिन गए ना उसी दिन बिग बॉस में, उस दिन पहले से हम लोग घर पे बोल के आए थे कि जीते से आऊंगा नहीं, जीत के ही आऊंगा। बट हमारे अंदर वो गेम खेलते वक्त या बिग बॉस के घर में वो अकड़ दिखाई दी क्या? क्योंकि वो अकड़ को हम रख के आते जेब के अंदर और गेम खेलते भाई। काम पे ध्यान दो, काम बढ़िया करोगे तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ये तो सिर्फ बातें चुका और फिर वहां जाके कुछ उखाड़ने। इसके बाद ये क्लिप कट के अदनान 07 के पास चली गई, उन्होंने भी रिप्लाई दिया, आप ही देख लीजिए। चलती ट्रेन में नहीं चलने का भाई, चलती ट्रेन में चढ़ेंगे ना कभी कभी मुंह के बल गिरते, गाने में नहीं है गूदा तो बीच में